हेलो स्टूडेंट, आज का जो सेशन है वो है एनडीए 2019 17 नवंबर लास्ट 15 डेज प्रिपरेशंस प्लान। अब लास्ट 15 डेज क्या करना चाहिए, अभी हमारे पास आज थर्सडे है, अप्रोक्सीमेट 18 डेज बचे हुए हैं। इन 18 डेज में हम ऐसा क्या करें कि एक अच्छा रिजल्ट को कन्वर्ट कर सके। मैं आपको 18 डेज नहीं, मैं आपको 15 डेज का प्लान बताऊंगा, थर्सडे टू थर्सडे, यानी 31/10/2019 टू 14/10/2019, यानी ये 15 डेज में आप ऐसा क्या करें जिससे एक अच्छा स्कोर कवर कर पाए। नंबर वन थिंग कि न्यू प्रिपरेशन स्टॉप कर दे, बिल्कुल भी नया पोर्शन नहीं पढ़ना चाहिए। देखिए, किसी भी एग्जाम में रिजल्ट इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने जितना पढ़ा है उसका प्रॉपर रिविजन किया है कि नहीं। और एक और बात मैं बोलना चाहूंगा सबसे पहले सेशन के पहले, कि आप एंड रिजल्ट को सोच के पढ़ाई मत करें। एनडीए में रिजल्ट क्या होगा इसको सोच के फोकस ना करें, बल्कि ये सोच के करें कि आप अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट करने वाले हैं और इस बेस्ट की कोई लिमिट नहीं होती। अपना बेस्ट कैसे दे सकते हैं, बस ये थॉट आपके दिमाग में होना चाहिए। नेक्स्ट 15 डेज भी मैं आपके साथ रेगुलर एवरी डे लाइव क्लास के साथ कनेक्ट रहने वाला हूँ, क्या क्या चीजें कवर करने वाला हूँ बताऊंगा। और मैं बिल्कुल श्योर हूं कि अगर आपने सेशन सारे अटेंड किए तो मैथ्स में तो कोई चांसेस ही नहीं है कि आपका कट ऑफ से कम स्कोर आए, आप कहीं ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। एक वेल प्लान लॉजिकल तरीके से प्रिपरेशन करने से हमेशा अच्छा स्कोर आता है। तो अब हमारे पास दो चीजें, एक है मैथ्स और एक है हमारे पास जीएटी। इस 15 डेज में हम क्या करें कि दोनों का हम रिवीजन कर पाए। तो जो मैंने नंबर वन बात बोली है वो ये है कि पुराना नहीं, नया नहीं पढ़ना है। मतलब सबसे पहले नए को स्टॉप कर दें, जितना भी नया पोर्शन है उसको पढ़ना, भले आपका सिलेबस का 60% हो या 80% हो या 90% हो या 100% या 50%, जितना भी सिलेबस कवर हुआ है उतने सिलेबस का रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। ये बात सबसे पहले दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि अगर आपने रिवीजन किया तो जिन टॉपिक को आपने पढ़ा उसमें परफॉर्मेंस दे पाएंगे, और अगर आपने रिवीजन नहीं किया है तो और आप नया ही पढ़ते जा रहे हैं कि अभी भी ये सिलेबस बचा है, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, तो जो पुराना पढ़ा है उस पे आपका परफॉर्मेंस नहीं आएगा और नए पे भी इतनी जल्दी कमांड नहीं आएगा। ऐसे में आप कहीं के भी नहीं रह सकते, हो सकता है आपका परफॉर्मेंस डाउन हो जाए। तो क्या जरूरी चीजें हैं वो समझे हम। और अभी जैसे अब आज से मैं आपके साथ आज 2018 का पेपर, इस सेशन के साथ एक लिंक भी दिया मैंने, 2018 टू पेपर भी पूरा डिस्कस करूंगा और आपको समझाऊंगा कि क्या आपका ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट होना चाहिए, क्या क्या छोटी छोटी बातें जो ध्यान रखनी है वो बात ध्यान रखिएगा। तो आप पेपर को डाउनलोड करके इस पेपर को पहले सॉल्व करिए, क्योंकि इवनिंग टाइम में आप ये पेपर का पूरा सॉल्यूशन देखेंगे, हो सकता है कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं हो, मैं कुछ पोर्शन बता पाऊं क्योंकि सेशंस कई बार लंबे हो जाते हैं, तो ऐसे में पर आपको एक टेक्निक्स मिलेंगी, आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। और इसके अलावा देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, यही केवल 50% करीब करीब 50+ क्वेश्चन इस 4 पोर्शन के ही आते हैं, यानी चार टॉपिक के ही 50% के आसपास लगभग क्वेश्चन आते हैं। अगर इन टॉपिक पे भी अच्छे से कमांड कर ले तो आपको फायदा हो सकता है। तो मैं आपके साथ पेपर डिस्कशन के साथ रेगुलर, जैसे आपको आज मैं पेपर डिस्कशन डिस्कस करूंगा तो कल से मैं फंक्शन का रिविजन सेशन स्टार्ट करूंगा, इसमें मैं आपको एक क्विक रिविजन करवाऊंगा, फंक्शन से लेके डिफरेंशियल इक्वेशन तक ले जाऊंगा, इसमें मैं आपको टॉपिक का क्विक रिविजन करवाऊंगा। और किसी भी एक ईयर के जो भी यहाँ पर बच्चे बोलेंगे, जिस ईयर का उनको लगता टफ, उस ईयर के 1 और 2 के पूरे पेपर के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, जिससे आपको समझ में आए, क्वेश्चन के थ्रू रिवीजन सिखाऊंगा। ये सेशंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए इन सेशंस को बहुत ध्यान से देखिए और प्रैक्टिस करिए। एक और बात बोलना चाहूंगा इस सेशन के पहले, कि जब मैं पेपर आपके साथ डिस्कस करता हूं तो मैं हमेशा ये एक्सपेक्ट करता हूं कि आप उस समय कोई चैटिंग ना करें, कुछ ना करें, पेपर मेरे साथ सॉल्व करें, पेपर में इन्वॉल्व हो, जो जो टेक्निक मैं बता रहा हूं उसको भी आप देखें, आप इस पेपर को साथ में रख के बैठिएगा, क्योंकि जो छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं उस पर ऑब्जर्व करना है। कहीं पे भी चैट बॉक्स बिल्कुल दिमाग में रख लो कि बंद करके रखना है, मैं चाहता हूं कि आप उस पर पूरा ध्यान दें। ऐसे ही जब हम फ्राइडे से मैं फंक्शन स्टार्ट करूंगा तो फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंडेफिनिट, डेफिनेट, एरिया अंडर कर्व, इसके अलावा डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सारे टॉपिक का रिवीजन, फिर परमुटेशन कॉम्बिनेशन, देन परमुटेशन कॉम्बिनेशन के प्रोबेबिलिटी, ट्रिग्नोमेट्री, जितना भी टाइम मिलेगा इन 15 डेज में मैं आपके साथ रोज करीब करीब 1 आवर का एक लाइव सेशन लूंगा। और इस सेशन में मैं चाहूंगा कि आप पूरे समय
फुल एक्टिव रहें, पूरी एनर्जी के साथ इस चीज को समझें और बिल्कुल श्योर हो कि केवल ये सेशन ही आपका स्कोर कर देंगे, बहुत अच्छा स्कोर कर देंगे, क्योंकि लास्ट टाइम भी जो क्विक रिवीजन सेशन थे उनसे बहुत अच्छा स्कोर हुआ आपका। जो भी हुआ, अभी मेरे पास कई बच्चों के फोन भी आते हैं, आप में से कई लोग मुझसे फोन करते हैं और अलग अलग जगह पढ़ रहे हैं, वहां पे कई जगह पे ऐसी प्रॉब्लम भी हुई कि आपके पास टेक्निक्स नहीं आई, क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच डेवलप नहीं हो पाई, ऐसी बहुत डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। पर उन सबको छोड़ के जो आपने पढ़ा है, पर पढ़ाई तो आपने की है, उसका एक प्रॉपर रिविजन करने की जरूरत है। तो इन सेशन को बहुत एक्टिवली पॉजिटिव माइंड से अटेंड करिएगा, जिससे कि आप एक अच्छा स्कोर कर पाए। और जिन टॉपिक्स की क्लास लूंगा उसका आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, उससे आप, मैंने जैसे बताया कि कैलकुलस लूंगा, करीब 3-4 क्लास में कैलकुलस कवर होगा, तो आप कैलकुलस का खुद से रिवीजन पहले चालू कर दें। कैलकुलस के बाद पीएनसी, पीएनसी के बाद प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी के बाद फिर ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री वैसे मैं आपको साथ में करवाता चलूंगा, कैलकुलस के समय भी कई चीजें रिवाइज होंगी, पर बाद में भी एक बार करवाऊंगा। तो इन टॉपिक्स को आप बहुत अच्छे से कवर करिए। तो आप मेरे साथ अगर परफॉर्म करना चाहते हैं तो तरीका यह कि आप इन टॉपिक्स का सेल्फ रिवीजन भी करके रखिए। जैसे आप, आज हम 2018 का पेपर डिस्कस करेंगे, तो इवनिंग टाइम में जो पेपर का होगा डिस्कशन टाइम, उसके पहले आप इस पेपर को खुद भी सॉल्व करिए। हो सकता है मैं किसी एक टॉपिक को कवर करूं, हो सकता है अलजेब्रा लूं, हो सकता है ट्रिग्नोमेट्री लूं, हो सकता है कैलकुलस, पर आपको ये समझ में आएगा कि करना है। अब लास्ट 15 डेज रिवीजन कैसे करें। नंबर वन, मैथ्स में लगभग 30 टॉपिक्स हैं। इन 30 टॉपिक्स में से पर डे अगर आप 2 टॉपिक का रिवीजन करेंगे तो 30 डेज में 30 टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं। अब 15 डेज में 30 टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं। अब सबसे पहली बात है, ट्राई करिए कि कैलकुलस 3-4 क्लास में हो, ट्रिग्नोमेट्री 2 क्लास में हो, परम्यूटेशन प्रोबेबिलिटी 2 क्लास में हो, एंड रिमेनिंग पोर्शन 3-4 क्लास में आपका कवर हो जाए। कोऑर्डिनेट वेक्टर 3D पोर्शन छोटा है। दूसरी बात, आपके पास 120 क्वेश्चंस होते हैं, आप अगर 60 क्वेश्चन भी राइट करके आते हैं तो भी आप बहुत अच्छे से कट ऑफ क्लियर करते हैं। पर आपके साथ में जो ये सेशन लेने वाला हूं पेपर डिस्कशन, उसका पर्पज है कि आप 80 राइट कैसे करें। अब बात आती है कि जब हम 80 राइट करने की बात करते हैं तो हम 40 को छोड़ भी सकते हैं, नॉट अटेम्प्ट भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब 2:1 का रेशो हुआ, यानी हर 3 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और 1 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि जो 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और जो 1 छोड़ना है, अगर वो क्लियर है, यानी आपका ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन अच्छा है, तो ही ये पॉसिबल है कि आप अच्छा स्कोर कर सके। तो अब जैसे मान लीजिए कि आपका कैलकुलस पे कमांड है या एलजेब्रा पे कमांड है, फिर भी, या कॉम्प्लेक्स नंबर एक एग्जांपल लिया मैंने कि कॉम्प्लेक्स के 5 क्वेश्चन आए, पर कमांड होने के बाद भी हो सकता है 2 ना बने, और हो सकता है आपका बाइनोमियल पे कमांड ना हो पर 5 बन जाए। ये पेपर की लेवल पे डिपेंड करेगा, पर मैं आपको बोलूंगा कि सबसे पहले पेपर में अपने फेवरेबल टॉपिक्स पे जाएं, एक पहले स्क्रीनिंग करें एंड देन फिर फेवरेबल टॉपिक्स को बहुत अच्छे से देखें। आपका फेवरेबल टॉपिक अगर ट्रिग्नोमेट्री है तो पहले ट्रिग्नोमेट्री उठाइए। 10 क्वेश्चन में 8 भी बन गए तो कोई दिक्कत नहीं, 1-2 टफ क्वेश्चन या लेंथी क्वेश्चन को बाद में करना। याद रखिए, ड्रॉप करना या छोड़ने का मतलब है वो क्वेश्चन नहीं जो आपको नहीं आते, छोड़ने का मतलब होता है वो क्वेश्चन जो नहीं आते वो तो छोड़ना ही है, पर वो क्वेश्चन भी छोड़ना है जो आते तो हैं पर टाइम कंज्यूम कर रहे हैं। ये सारी टेक्निक्स मैं अभी आपके साथ 15 दिन बहुत अच्छे से शेयर करने वाला हूं। मैं आपको बताऊंगा कि ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे हम, इसमें इतना टाइम लग रहा है, पर ये छोड़ने से हम 2 क्वेश्चन ज्यादा कर सकते हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है। अब कई बार यही मिस्टेक होती है हमको कि हम चैलेंज लेते हैं, एग्जाम चैलेंज वाला काम नहीं। ये 120 क्वेश्चन दिए इसलिए जाते हैं कि एक बच्चे का राइट असेसमेंट कर सके, एक बच्चे के बारे में ये जान सके कि वो किस समय क्या करता है। तो क्वेश्चन आते हुए भी, मैं भी आपके साथ कर रहा हूं, मैं आपको हर क्वेश्चन बता सकता हूं, पर फिर भी मैं बोलूंगा नहीं, ये अभी नहीं करना है, ये बाद में ही करना है। तो आपके पास एक बहुत बड़ा, जबकि आप 60 पे बिल्कुल 100% कंफर्ट जोन में, फिर भी मैं आपको बोलूंगा कि हम 80-40 का रेशो लेंगे, क्योंकि अगर आप 80 अटेम्प्ट करेंगे और बिल्कुल सही तरीके से पॉजिटिव माइंड से करेंगे तो होगा ये कि इस 80 क्वेश्चन में से हो सकता है 5-10 क्वेश्चन गलत हो जाए, वो चलेगा, पर आपके जो 30-40 रॉन्ग होते हैं वो नहीं होना चाहिए। अभी मैं जीएटी पे भी आता हूं उसके बाद, वो नहीं होना चाहिए। अब इस 80 में फर्स्ट 1 आवर और नेक्स्ट 1 आवर बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्राई ये करना है कि पहले 1 आवर में 40-50 हो, क्योंकि फर्स्ट 1 आवर की परफॉर्मेंस हमेशा सेकेंड आवर की परफॉर्मेंस से डबल होती है, या सेकेंड आवर की परफॉर्मेंस फर्स्ट 1 आवर की परफॉर्मेंस से आधी होती है। देयर आर 2 रीजंस, इसके 2 रीजंस है। नंबर 1 कि एक तो आप पहले सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं इसलिए ज्यादा अटेम्प्ट करते हैं, दूसरा आप थक चुके होते हैं, तीसरा जो सेकंड राउंड में कर रहे होते हैं उसमें कुछ क्वेश्चंस का टाइम कंज्यूम होता है, इसलिए आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी आपको लगता है कम हो गई, ये कुछ रीजंस होते हैं।
तो पहले घंटे में 40-50, दूसरे घंटे में 30-40। अगर पहले घंटे में 50 किए तो दूसरे में 30, पहले में 40 किए तो 40। तो इसलिए मैं बोलूंगा कि फर्स्ट वन आवर में ट्राई करिए 50, जिससे नेक्स्ट वन आवर में आपको 30 क्वेश्चन करने हैं, यानी हर क्वेश्चन के लिए आपके पास प्रॉपरली 2 मिनट मिलेगा, यानी आपका टाइम बढ़ गया। जबकि आपको 2.5 घंटे मिलता है, मैं 2 घंटे के हिसाब से प्लान बता रहा हूं, यानी आपके पास बोनस है। आप क्या चीजें, क्या थॉट लेके जाते हैं एग्जाम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन 15 दिन में पहले आपको जो टॉपिक्स आते हैं, 30 में से 20 आते हैं या 20 ही करें आपने, तो उन 20 का रिवीजन कर लीजिए। अगर बस आप अब मुझसे पूछेंगे, सर क्या मैं ट्रिग्नोमेट्री छोड़ सकता हूं, क्या मैं कैलकुलस छोड़ सकता हूं, तो मैं बता दूं कि आप क्या नहीं छोड़ सकते। आप ट्रिग्नोमेट्री नहीं छोड़ सकते, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का छोड़ने का मतलब है कैलकुलस पे आपका कमांड नहीं आएगा। ट्रिग्नोमेट्री कैलकुलस नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये मिला के ही करीब करीब 40 क्वेश्चन के आसपास आ जाते हैं। परमुटेशन प्रोबेबिलिटी को मिला ले तो 15-20 क्वेश्चन ये होते हैं, ये ना छोड़े तो अच्छा है। अब इसके अलावा एलजेब्रा के छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, अगर आपको लगता है रिलेशन पे कमांड नहीं आ रहा, लीफ दिस टॉपिक, या सपोज कॉम्प्लेक्स पे कमांड नहीं आ रहा, या स्टेटिस्टिक्स सिंपल टॉपिक है, पढ़ना चाहिए, थ्योरी बेस्ड है, पर फिर भी मान लीजिए कमांड नहीं आ रहा, क्योंकि अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया तो टाइम कंज्यूम करेगा, आप इस टॉपिक को छोड़ भी सकते हैं। ये डिपेंड करता है, ये मैं आपको बता दूं कि ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है कि आपको छोड़ना है, ये मेरा स्टेटमेंट ये है कि आपने आज तक जो टॉपिक किए हैं उनके अलावा जो नहीं किए उनको छोड़ दें, एक्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री को नहीं छोड़ना है, क्योंकि उससे बहुत सारी मैथ्स के कंसेप्ट क्लियर होते हैं, स्पीड एक्यूरेसी सब वहीं से आएगी, तो ये बात ध्यान रखनी। यानी अब अगर आपने सिलेक्शन सही किया, आप मान लीजिए कोई बच्चा, वो जो मैं 40 क्वेश्चन बोल रहा हूं छोड़ना है, अगर आप इनको अटेम्प्ट करने लग जाए, हो तो ये भी जाएंगे, तो हो सकता है कि आप ये 40 ही कर पाए, एक तो 80 नहीं करेंगे, तो आपके पहले ही डोमेन कम हो गए 40 क्वेश्चन करें। अब इसमें से भी अगर 5-10 गलत हो गए तो आप कट ऑफ से पीछे चले जाते हैं, ये प्रॉब्लम आती है। यानी एक साइकोलॉजिकल तरीके से आपको पेपर को सॉल्व करना चाहिए, एक लॉजिकल तरीके से, एक प्रॉपर माइंड सेट से अगर आप पेपर सॉल्व करेंगे तो फायदा मिलेगा, और यही चीज मैं आपके साथ करने वाला हूं। मैं आपके साथ कुछ एक्चुअल पेपर, कुछ टॉपिक्स की लाइव सेशन, मतलब रिविजन क्लासेस, क्विक रिविजन क्लासेस, ये सब शेयर करूंगा, जिससे आप मैथ्स में मोर देन 150 कैसे स्कोर कर सके, ये एक पॉजिटिव माइंड आपका सेट होगा, और जो मैं टेक्निक जो बातें बोलूं उसको फॉलो करेंगे तो ही फायदा होगा, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। क्योंकि होता ही है, कई बार मैं बोलता हूं स्टेप्स नहीं लिखो, मेंटली करो, पर जैसे ही पेपर आता आप फिर से वैसे स्टेप लिखने लगते हैं, अगर आप वो सब करेंगे तो आपके अटेम्प्ट नहीं बढ़ सकते। तो मैथ्स में आपको ये करना है, और करीब करीब 4-5 आवर आपको मैथ्स रिविजन में देना चाहिए, उसमें 1 आवर का पुराने पेपर सॉल्यूशन पे आपको वर्क करना चाहिए। यानी 1 घंटे में कोई भी ईयर का, जैसे 18 का पेपर, 18 के 1-2, 17 के 1-2, 16 के 1-2, 15 के 1-2, 1-1 घंटे रोज, तो यानी आप 6 दिन में केवल 3 साल के पेपर ही कर पाएंगे, याद रखिएगा। तो आप रिवर्स ऑर्डर में चलिएगा, पहले 19-1, फिर 18-1, 18-2, 17-1, 17-2, ऐसे चलते जाइएगा थर्सडे तक, 14 नवंबर को, गलत लिख दिया था, 14 नवंबर को आपको सारी चीजें कवर करके रखनी है, राइट। 14 नवंबर तक आप सब कुछ कवर कर लें, ये बात ध्यान रखिए। अब बात आती है जीएटी में, 5 आवर यहां देने के बाद लगभग 4-5 आवर भी यहां देना है आपको। इसमें भी एक रूल होगा, 1 घंटे का पुराना पोर्शन या पुराने पेपर देना। पुराने पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट होता है इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, हिस्ट्री, पॉलिटी, जो चीजें चेंज नहीं होती, करंट अफेयर्स को अगर हम अलग कर दें तो बाकी लगभग पूरा पेपर पुराना आप वो पढ़ेंगे तो कोई चेंज नहीं होता, हिस्ट्री चेंज नहीं होती, ज्योग्राफी चेंज नहीं होती। यानी आप इन पेपर्स को रोज 1 घंटे देंगे, जो कंसेप्ट यहां पर है वही यहां पर, बिल्कुल सेम कंसेप्ट को फॉलो करते हुए चले तो आपके लिए अच्छा होगा। अब यहां पर भी आपके पास 150 क्वेश्चन है, आपको ट्राई करना है 75 पे आप कंफर्ट जोन में आ सकते हैं, पर मैं बोलूंगा आप 90 पे ट्राई करें, 90 एंड 60, देन अगेन वही बात आ जाएगी कि आप यहां पर भी लगभग लगभग वही रेशो रख सकते हैं, पर 90-60, यानी हर 3 क्वेश्चन के बाद आप चाहें तो 1 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, राइट। तो ये एक प्रोसेस अगर आप फॉलो करेंगे तो अच्छा होगा, रिवीजन में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का रिवीजन कर सकेंगे तो अच्छा रहेगा, केमिस्ट्री का, और एनसीईआरटी की बुक बहुत हेल्प करेंगी। जीएस में पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इनका रिवीजन जरूर करिए। इंग्लिश के लिए पुराने पेपर्स देखिए, टेक्निक्स को समझिए, 200 में से कैसे हम 100-150 तक कर सके। और एक और इंपॉर्टेंट बात, ये क्वेश्चन मुझसे सबसे ज्यादा बच्चे पूछते हैं कि सर जीएटी में इंग्लिश, फिजिक्स, जीएस,
केमिस्ट्री का क्या सेपरेट कट ऑफ होता है, हमने कई सारे लोगों का सुना है, कुछ लोगों के सेशन में बताया गया कि इसका सेशनल कट ऑफ होता है। मैं पहले आपको बहुत क्लियर कर दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इंडिविजुअल मास का कट ऑफ, इंडिविजुअल जीएटी का कट ऑफ देखा जाता है। आप सबसे अच्छा यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, आपको मिल जाएगा। आप अननेसेसरी, इवन मैं भी जो स्टेटमेंट देता हूं, मैं बोलता हूं आप पहले क्रॉस चेक कर लें, उसी के बाद आप भरोसा करें, वो ज्यादा अच्छा होगा। तो और आप क्रॉस चेक हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट पर करें, नॉन ऑफिशियल वेबसाइट पर ना करें या ऐसे कुछ। तो ये एक चीज बिल्कुल क्लियर कर दूं कि इसका इंडिविजुअल नहीं देखा जाता। ओवरऑल आपको करीब करीब बोलते हैं 25% पर डिपेंड ऑन, तो आप ट्राई करिए कि इसमें आप 30% के ऊपर स्कोर करें, इसमें भी आप 30% के ऊपर करें, कोई इंडिविजुअल की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ये ध्यान रखिएगा। तो इंग्लिश जिस जो डोमेन अच्छी, अगर आपका हिंदी मीडियम और इंग्लिश पे परफॉर्मेंस नहीं आ रही है तो इंग्लिश की जगह बाकी पे फोकस कर लें। आपका मीडियम इंग्लिश भी है तो इनके साथ कर लें, बट जितना अच्छा रिटर्न स्कोर होगा उसका एडवांटेज बाद में एसएसबी के बाद ओवरऑल स्कोर में मिलेगा। ट्राई यही करें कि अच्छा स्कोर करें, क्योंकि मैं आपको बोलूं अगर आपने यहां 50% किया, यहां पर भी 50% किया, आप एनडीए क्वालिफाई कर जाएंगे। पर हम 50% क्यों ना हम 70% के आसपास करने की कोशिश करें, जिससे फायदा मिले, और एक प्रॉपर टेक्निक के साथ करें, पेपर्स को प्रॉपर रिवाइज पहले देखें, स्कैन करें, सिंपल टू टफ चले। ये भी एक प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मैं क्लास में भी देखता हूं आज क्लासरूम बच्चे, ऑनलाइन बच्चे इतने सारे जुड़े हुए इंपीटस गुरुकुल से, तो जब वो मुझसे बातें करते हैं तो मुझे समझ में आता है प्रॉब्लम्स है क्या। पेपर आता एकदम से स्टार्ट हो जाते हैं, टाइम कम पड़ेगा, 1 2 3 4 नो, पेपर देखें, 5 मिनट दें, उस 5 मिनट से जैसे जब हम हेवी एक्सरसाइज करते हैं फिटनेस क्लब में तो रूल होता है पहले वार्म अप करें, वार्म अप के बिना हेवी एक्सरसाइज करने की स्टार्ट की तो आप कर ही नहीं सकते, आपको प्रॉब्लम हो सकती है। बिल्कुल यही बात होती है कि वार्म अप मतलब होता है कि आप अपने आप को तैयार कर रहे हो हैवी वेट के लिए। वैसे ही पेपर में सॉल्यूशन करने के पहले उसको पेपर को स्कैन करें, स्कैन मींस होता है पेपर वार्म अप, यानी आपने पेपर को समझा, ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट को समझा, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन समझे, ऑर्डर 1 क्या होगा, 2 क्या होगा। अभी आप जो 15 दिन पेपर की प्रैक्टिस करें, आप देखना कि फर्स्ट 1 आवर में जो आप पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसकी एक्यूरेसी लेवल ज्यादा होता है कंपेयर टू सेकेंड आवर का, ये आप खुद भी नोटिस करें। छोटी छोटी चीजें, प्रॉपर एनालिसिस, प्रॉपर असेसमेंट से ही रिजल्ट मिलता है। आज इंडियन क्रिकेट टीम आप देखते हो इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है, क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनी कमियों को पकड़ा, छोटी छोटी चीजों को एनालाइज किया। आज इंडियन प्लेयर कहीं पे भी, इंडिया पहले इंडिया की टीम इंडिया में ही जीतती थी, बाहर जाती थी हारने लगती थी, आज ऐसा नहीं। वही चीज मैं आपको बोलूंगा कि किसी भी एग्जाम में अच्छा रिजल्ट, प्रिपरेशन तो अपनी जगह है, पर साइकोलॉजिकली मेंटली आप कितने स्ट्रांग हो उस पर डिपेंड करता है। बहुत आने के बाद भी कई लोग पेपर में परफॉर्म नहीं कर पाते, कारण साइकोलॉजिकली एक प्रॉब्लम होता है कि मैं जब भी फाइनल पेपर देता हूं मैं हमेशा गड़बड़ करता हूं, ऐसी सोच लेके जाओगे, या मैं हमेशा पेपर के समय नर्वस हो जाता हूं। ये सब थॉट्स दिमाग से निकाल दीजिए, नॉलेज इज ऑलवेज, अगर आपके पास नॉलेज है तो आप कभी हार नहीं सकते, ये बात दिमाग में रखिए, क्योंकि नॉलेज पे बेस्ड एग्जाम होता है। तो आप अपने 15 दिन में एक पॉजिटिव माइंड से प्रिपरेशन करिए। अगले 15 दिन इसीलिए मैं आपके साथ जुड़े रहना चाहता हूं कि रोज मैं जब आपके साथ सेशन लूंगा तो मैं आपको बहुत सारी छोटी छोटी चीजें बताऊंगा, उनको ध्यान से सुनिए और उनको फॉलो करिए। सुनते तो हम सब हैं पर हम फॉलो नहीं करते, जब तक फॉलो नहीं करेंगे रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि लास्ट 2 टाइम्स से जब मैंने क्विक रिविजन क्लास ली, राष्ट्र के सेशन लिए, उसका फायदा ढेरों बच्चों को मिला। आप कहां पढ़ रहे हैं, कहां नहीं पढ़ा, ये सब सोचना छोड़ दीजिए। अब समय है कि अगले 15 दिन बहुत फोकस पढ़ाई करिए, क्योंकि थर्सडे को आपकी पढ़ाई का आखिरी दिन होगा, फ्राइडे को आपको एक पेन और कॉपी लेके बैठना है, जो जो टॉपिक्स पढ़े हैं 15 दिन में, याद रखिएगा, मैं फिर बताऊं कि फ्राइडे को क्या करना है। फ्राइडे के दिन आपको जो 15 दिन में टॉपिक पढ़े हैं इन 15 दिन, उनको एक ब्लैंक पेज पे लिखना है, यानी एक समरी बनानी है फ्राइडे के दिन, पूरी समरी बनानी है। एंड देन सैटरडे के दिन, मैंने प्रद्युमन का वीडियो भी डाला था, आपने देखा था, वो फाइनल रिकमेंड हुआ, जो जो मैंने बात बोली उसने मानी, लास्ट अटेम्प्ट था, फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्ट, रिटर्न भी निकला लास्ट अटेम्प्ट में, और लास्ट अटेम्प्ट में एसएसबी भी निकला, आप सुनिएगा उसका सेशन। तो लास्ट सैटरडे के दिन आपको बिल्कुल पढ़ाई नहीं करनी, बिल्कुल मतलब बिल्कुल नहीं, कोई थॉट नहीं, कोई ब्लैंक पेज, कुछ नहीं, क्योंकि संडे को परफॉर्मेंस जब ही आएगी, जबकि आपका एक दिन माइंड पूरी तरह से फ्रेश हो जाए, यानी आप एक फ्रेश माइंड के साथ प्रिपरेशन करेंगे तो ही ये पॉसिबल है। तो याद रखिएगा, संडे को दिन नो स्टडी, नो पढ़ाई, कुछ नहीं, संडे बिल्कुल रिलैक्स डे होगा, अच्छे से घूमिए, मूवी देखना है, खेलना है, खेलेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, कोई भी फिजिकल गेम थोड़ा बहुत खेल सकते हैं, घूमें फिरें, और संडे को, सैटरडे नाइट एक अच्छी नींद लें, जिससे संडे को परफॉर्म करें। तो नेक्स्ट लास्ट मैं आपको कंक्लूड करना चाहूंगा कि अगले 15 दिन में क्या करना है और हम क्या करने वाले नेक्स्ट 15 दिन में। मैं जो भी आपके साथ सेशन लूंगा, लाइव सेशन, उनको बहुत ध्यान से सुनना है और मेरे साथ ही प्रैक्टिस करनी है, आंसर्स निकालने,
साइड में चैट बिल्कुल नहीं करनी है किसी भी तरह की। नंबर वन थिंग, पेपर सॉल्यूशन दूंगा और कुछ टॉपिक्स के लाइव सेशंस दूंगा, क्विक रिवीजन क्लासेस, जिससे कि आप परफॉर्म कर पाए। ये तो मेरा आपको सपोर्ट रहा। अब रहा सवाल आपको क्या करना है, 15 दिन में जितना टॉपिक मैथ्स के अब तक हुए वो, जितने टॉपिक्स जीएटी में जिन जिन सब्जेक्ट के हुए वो, उनका रिवीजन करना है। थर्सडे लास्ट डे होगा प्रिपरेशन का, फ्राइडे के दिन इन पूरे टॉपिक्स को ब्लैंक पेज पे रिवाइज करना है, सैटरडे रेस्ट करना है, एंड देन संडे टेस्ट देंगे आप। इसके बाद अब मैं क्योंकि रेगुलरली जुड़ूंगा आपके साथ, और आखिरी दिन मैं आपको बताऊंगा कि संडे के दिन क्या क्या करना है। तो ये मैं आपको फाइनल सेशन एंड कर रहा हूँ। आप बहुत पॉजिटिव माइंड से प्रिपरेशन करिए और रेडी हो जाइए। सबसे पहले तो जो 18 का पेपर मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, उसको आप अभी बैठ के सॉल्व करना चालू कर दीजिए, इमीडिएटली चालू कर दीजिए, और फिर आप अपने सॉल्यूशन और मैं जो आपको सॉल्यूशन की टेक्निक्स बता रहा हूं उसमें आप डिफरेंस देखिएगा, और पेपर अपने साथ लेके बैठिएगा। लिंक आपको साथ में दे रहा हूं मैं, उस लिंक से आप तुरंत पेपर डाउनलोड कर लें, और उस लिंक को बल्कि आप सेव कर लें। कोई भी पेपर कुछ भी मैं आपको दूंगा तो उसी लिंक पर मैं उसको अपलोड कर दूंगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, एंड जय हिंद।